हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और आज हम पढ़ने लगे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। अभी अभी हमने शुरू किया है मेडिवल इंडिया। तो मैंने आपको बताया कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है मध्यकालीन भारत, तो जिसमें हम सबसे पहले तुर्कों का आगमन पढ़ रहे हैं। तुर्कों के आगमन में हमने मोहम्मद गौरी को पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद गौरी है, जब वापस जाता है तो उसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है, उसको मार दिया जाता है रास्ते में, तो उसके बाद कौन उसके जीते हुए साम्राज्य को आगे चला रहा है, बस यही पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इतना कुछ है इसमें जानने वाला कि आपको ये नया टॉपिक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेके 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें भारत पर जो राज्य करने वाले हैं वो कितने कितने वंश हैं, वो 5 वंश हैं। कौन कौन से? पहले है गुलाम वंश, जिसे हम ममलूक वंश भी कह देते हैं। दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा और आखिरी है लोदी वंश। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भारत में राज किया मुगलों ने। मुगलों के बारे में तो आपने सुना ही है। कौन है मुगल? कौन सा नाम याद आता है मुगलों में से हमें? अकबर का नाम हमें हमेशा याद आता है। उसके बाद हमें शाहजहां का नाम याद आता है। औरंगजेब का नाम हम कैसे भूल सकते हैं? तो वो है मुगल। तो लेकिन ये लोग कौन हैं? ये 5 जो वंश हैं, ये आखिर लोग कौन हैं? इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम हर एक चीज तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इनका आप टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे हम सल्तनत ए हिंद भी कहते हैं, सल्तनत ए दिल्ली भी कहा जाता है। एक्चुअल में इनमें से पहले 4 वंश हैं वो तुर्क हैं। कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद। और आखिरी जो वंश है वो है अफगान। कौन सा? लोदी वंश। और उसके बाद इस लोदी वंश को मुगलों ने पराजित किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो दिल्ली सल्तनत में ये जो हम पढ़ने लगे हैं, नेक्स्ट इसमें आता है कि ममलूक या गुलाम है क्या। जो ममलूक वंश है, इसका टाइम पीरियड आपने नोट कर लिया है 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है। तो इसमें गुलाम वंश क्यों कहा गया है इसे? अब देखिए, गुलाम वंश मतलब कि जिसमें कुछ ऐसे शासक जो पहले अपने ही सुल्तान के गुलाम रह चुके हैं, इसलिए उन्हें गुलाम वंश के नाम से जाना गया है। लेकिन ये नाम ज्यादा उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद गुलाम ना रहे हैं, लेकिन इसे ममलूक वंश भी कहते हैं। ममलूक का अर्थ क्या है? कुछ ऐसे गुलाम दास जिनके माता पिता तो स्वतंत्र हो, लेकिन उन्होंने दास के रूप में कार्य किया है। कौन सा कार्य? सैनिक कार्य। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक राजा है, उसने कहीं पर युद्ध किया, वहां से उसने जो सैनिक थे उनको उठा लिया, उन सैनिकों को उठा के अपने राज्य में ले आया और क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। तो गुलाम बनाने के बाद उसने क्या किया? उनको अपने ही सेना में भर्ती कर लिया। लेकिन वो जो गुलाम बना लिए, उनके माता पिता क्या हैं? वो हैं स्वतंत्र, ठीक है। तो ऐसे स्वतंत्र माता पिता के जो बच्चे हैं, जिन्हें गुलाम बना लिया गया है किसी दूसरे राजा की तरफ से, उसे कहते हैं ममलूक वंश, ठीक है। उसके बाद आता है, इसे इलबरी वंश भी कहा गया है। क्यों कहा गया है इलबरी वंश? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासक जो थे वो इलबरी जाति के तुर्क थे, इसलिए इसे इलबरी वंश भी बोला गया है। तो तीनों में से सबसे जो उपयुक्त नाम माना जाता है वो इलबरी वंश का माना जाता है, लेकिन हम इसे ज्यादातर गुलाम वंश के नाम से ही जानते हैं। तो इसके ये मुख्य शासक हैं गुलाम वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक है जो सबसे पहला शासक माना गया है, जिसे मोहम्मद गौरी ने अपना सेनापति नियुक्त किया था और दिल्ली इसको सौंप दी थी कि अब दिल्ली की रक्षा तुमने करनी है जब तक मैं वापस नहीं आता। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है आराम शाह 10 से 11 तक, लेकिन वो अयोग्य पुत्र निकलता है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उसका एक जवाई है जिसे हम बोल देते हैं, वो गद्दी पे बैठता है। वो कौन है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1211 से 1236 तक, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र गद्दी पे बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में, लेकिन वो भी एक कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं निकलता है, इसलिए उसको गद्दी से उतार कर रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है, लेकिन देखो जो रजिया सुल्तान है, इसे एक ऐसा
खास सुल्तान माना गया है। औरत होके भी इसने अपने नाम के साथ सुल्तान लगाया है। और खास बात क्या है, ये मुस्लिम वंश में पहली मुस्लिम शासक मानी गई है। तो रजिया सुल्तान के बारे में वैसे तो हमने डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन है। इल्तुतमिश की पुत्री है, और इल्तुतमिश खुद भी चाहता था कि ये गद्दी किसे मिले, रजिया सुल्तान को मिले। तो 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान है, फिर बहराम शाह है 40 से लेकर 42 तक, मसूद शाह है 42 से 46 तक, नसीरुद्दीन महमूद है 46 से लेकर 66 तक, बलबन है 66 से लेकर 86 तक, क्याकाबाद है 86 से 90, और क्यूमर्श है 90 तक, 90 में ही। तो कई लोग तो क्याकाबाद और क्यूमर्श को एक ही मानते हैं, कई लोग कहते हैं ये दो अलग अलग हैं। इनमें से हमें मेन पढ़ना है एक तो इल्तुतमिश के बारे में, और एक हमने पढ़ना है बलबन के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन था और कैसे गद्दी पे बैठा। अब देखें, जो मोहम्मद गौरी हमने पढ़ा, उसके चार सेनापति थे, एक था ताजुद्दीन यलदौज, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, और एक था नसीरुद्दीन कबाचा। तो ये चार सेनापति, जब मोहम्मद ऑफ गौर, जो मोहम्मद गौरी है, वापस जाता है, तो गजनी का इलाका किसे दे देता है, ताजुद्दीन यलदौज को, कि तू सेनापति है, इसे तू संभाल लेगा। दिल्ली किसे देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि यहां का ध्यान तूने रखना है। अगर वो दिल्ली जाता है तो पीछे से गजनी कौन संभाल लेगा, ताजुद्दीन यलदौज, और अगर वो गजनी जाता है तो पीछे से दिल्ली कौन संभाल लेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे ही बंगाल जीतने के बाद मोहम्मद गौरी बंगाल किसे दे देता है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को, और मुल्तान किसे दे देता है, नसीरुद्दीन कबाचा को। तो इस वक्त दिल्ली में कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1206 में, तो दिल्ली कौन संभाल लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ना तो गजनी का भारत से कोई लेना देना है, बंगाल भी अपने आप को अलग समझता है, और मुल्तान थोड़ा भारत से बाहर माना गया है, और मुल्तान से ज्यादा ताकतवर दिल्ली था। इसलिए जब दिल्ली की गद्दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाली, तो भारत का सुल्तान वो बन गया। इसलिए जो हमारा वंश शुरू होता है, वो कहां से शुरू होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने किसी युद्ध में से जीता था, उसे अपना गुलाम बनाया, गुलाम सेनापति बनाया, और गद्दी उसे दे दी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये गद्दी की परंपरा आगे शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। तो इस दिल्ली सल्तनत में पहले हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश का जो यहाँ पे आपको सामने उसका टाइम पीरियड है 1210 से लेके 1236 तक, उसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में जो एक्चुअल में पहला प्रमुख शासक माना गया है, वो कौन माना गया है, इल्तुतमिश माना गया है। हालांकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे गुजरात के एक युद्ध में खरीदा था। और जब इल्तुतमिश को उसने देखा कि बहुत ही वो एक योग्य सेनापति है, तो उसे इक्तादार भी बनाया, सामंत बनाया अपना, और बाद में अपनी पुत्री से उसकी शादी भी कर दी। तो वास्तविक संस्थापक जो है हमारा दिल्ली का, वो किसे माना गया है, इल्तुतमिश को माना गया है। इल्तुतमिश ने जब गद्दी संभाली, तो साथ ही उसने फिर बगदाद के खलीफा से अपने उपाधि भी जो थी, उसने कहा कि उसको जो दिल्ली सल्तनत है उसका उसको राजा माना जाए। तो जो खलीफा है बगदाद में, उन्होंने खिल्लत भी प्रदान की इल्तुतमिश को, इजाजत दे दी, और एक ड्रेस भेजी, जिससे वो अपने भारत का सुल्तान बन गया। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, यानी कि उसने एक अनाउंसमेंट की, और एक नया सिक्का शुरू किया, जिसे उसे कहा गया है टंका। ये चांदी का है, एक टंका 48 जीतल का बराबर माना गया है, यानी सबसे छोटा जो उनका सिक्का है वो जीतल है। अगर 48 जीतल इकट्ठे करें तो कितना बनता है, एक टंका, ठीक है। जैसे हम एक एक करके 10 सिक्के इकट्ठे करते हैं तो हमारे 10 रुपए बनते हैं, इस तरह इसका एक टंका बनता है। तो इसने, ये पहला शासक माना गया जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित करवाया है। तो इसका जो टंका है चांदी का, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद ये माना गया है वो बहुत न्यायप्रिय था, उसने बहुत न्याय वाले काम भी किए। उसने अपने दरबार के बाहर शेरों की मूर्तियों से लगी जंजीरें स्थापित की, घंटियां लगी हुई थी, अगर कोई मुसीबत में है तो वो आके बस घंटियां बजाए और सीधा सुल्तान तक बात पहुंच जाती थी। उसकी एक और खास बात है, वो है तुर्काने चाहिल गाने। 40 सरदारों को मिलाकर उसने एक संस्था बनाई, जिसे बनाया उसने तुर्काने चहिलगामी। इस संस्था का नाम है, जिसमें कितने लोग हैं, 40 तुर्क हैं, 40 सरदार हैं,
जिन्होंने राज्य से संबंधित कोई भी फैसला करना है। तो राजा ने जब भी कोई फैसला करना है उसने किसकी सहायता लेनी है, तुर्काने चहलगामे की। उसने एक और नई संस्था शुरू की, वो है इक्ता प्रणाली। तो जैसे सामंत होते हैं, जैसे जागीरदारी होती है, तो जैसे अपने अपने राज्य में जिसने भी टैक्स इकट्ठा करना है तो उसे कहते थे सामंत, तो इसने क्या बना दिए, वो इक्ता। तो ज्यादातर इक्ता प्रथा को चलाने वाले सामंत 40 तुर्कों में भी होते थे, तो उसने इस तरह से उच्च सरदारों को ये इक्ताएं बांट दी, जगीरें दे दी और उनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब आते हैं उसके अभियान। तो उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, कैसे बताएंगे, अपने अभियानों से, आसपास के इलाकों को जीत के। तो बहुत सारी उसके सामने प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजपूतों के बारे में। तो उसने राजपूतों से भी संघर्ष किया। उसका है पहला संघर्ष जो है रणथंभौर का, 1226 में है, ठीक है। वहां का शासक है वीर नारायण, उसके साथ उसका युद्ध हुआ, लेकिन जो वीर नारायण है उसे बंदी बना लिया गया और रणथंभौर के ऊपर किसका अधिकार हो गया, इल्तुतमिश का। उसके बाद उसने 1227 में नागौर पर आक्रमण किया। परमार वंश की राजधानी मंदौर थी, वहां पे उसने हमला किया, इसे भी जीत लिया, जालौर को भी जीत लिया। फिर वो पहुंचा 1232 में मालवा पर, यहां पर भी उसने अधिकार किया और वहां से वो विक्रमादित्य की मूर्ति भी उठा के ले आया। तो ये मूर्तियां जो हैं कोई छोटी बात नहीं है, सोने से हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई मूर्तियां हैं जो इन्होंने लूटी हैं। उसके बाद उसने 1235 में ग्वालियर पर हमला किया और इस अभियान में उसने इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की बजाय पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। उसे अब लगा कि अब उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करने का समय आ गया है, तो उसने ये फैसला कर लिया कि वो अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाएगा, क्योंकि उसे लगा कि मेरे पुत्र से ज्यादा काबिल कौन है, मेरी पुत्री है। इसके बाद उसने 1236 में बामियान पर आक्रमण किया। ये उसका आखिरी अभियान, अंतिम जो अभियान है माना गया है। सेम समय पर जब वो ये सारी लड़ाइयां लड़ रहा है राजपूतों के साथ, उसी समय बंगाल की स्थिति भी देखेंगे कि बंगाल में क्या हो रहा है। तो बंगाल का अधिकारी है इवाज खां, उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया ताकि बंगाल की तरफ कोई मुंह ना उठाए। लेकिन और उसने उपाधि भी धारण की ग्यासुद्दीन के नाम की, ठीक है। तो इस कारण इल्तुतमिश को बंगाल की तरफ जाना पड़ा। इल्तुतमिश ने वहां पे जाके हमला किया और ये ऐसे नहीं हुआ कि एक बार में ही उसको बंगाल के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त हो गया। पहली बार हमला किया, फिर वो वापस आया, फिर पीछे से उसने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद के नेतृत्व में 1226 में बंगाल पर फिर से हमला किया। इल्तुतमिश का पुत्र है नसीरुद्दीन मोहम्मद। एक्चुअल में इल्तुतमिश इसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, पर ये मर गया, इसकी वजह से उसे अपनी पुत्री को अपना नया सुल्तान घोषित करना पड़ा। फिर नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई और 1230 में बंगाल को इल्तुतमिश ने फाइनली जीत लिया। उसके बाद एक और समस्या आती है इल्तुतमिश के सामने, जिन्हें खत्म करके उसने एक अच्छे साम्राज्य को स्थापित किया, वो है मंगोल। मंगोल कौन है? मंगोल वो लोग हैं जो बहुत ही जालिम माने गए हैं, एक असभ्य जाति मानी गई है। वो क्या करते हैं, दिल्ली के आसपास आ जाते हैं, लूटमार करते हैं, बच्चों को औरतों को तंग करते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो ऐसी एक समस्या इल्तुतमिश के सामने आती है, कैसे? उस समय मंगोलों का नेता है चंगेज खान, तमेचिन कहा गया है, 1221 में। उसने क्या किया, ख्वारिज्म पर हमला कर दिया, जो ख्वारिज्म का शाह है उसके ऊपर हमला कर दिया और उसका पीछा करता करता वो 1224 में सिंधु नदी तक आ पहुंचा। उसने ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन को हरा दिया और खुद उसका पीछा करता हुआ भारत आ गया, ठीक है। तो यहां पे आके उसने क्या किया, जलालुद्दीन ने नसीरुद्दीन कबाचा को हरा दिया। नसीरुद्दीन कबाचा हमने अभी पीछे पढ़ा ना, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो जलालुद्दीन भागा भागा आगे आ रहा है और उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे नसीरुद्दीन कबाचा को हरा के सिंध का इलाका जीत लूं। उसने जीत भी लिया और उस वक्त उसने क्या किया, उस वक्त उसने ये फैसला लिया कि क्यों ना मैं इल्तुतमिश की सहायता मांगू। तो जो जलालुद्दीन है इल्तुतमिश को कहा कि मुझे हेल्प भेजो चंगेज खां के खिलाफ, लेकिन इल्तुतमिश को लगा कि अगर मैंने इसकी हेल्प की तो जो ये चंगेज खां है जो दिल्ली पे हमला करेगा और जो मेरा राज्य है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, उसे मना कर दिया, उसको कहा कि यहाँ का मौसम ठीक नहीं है, यहां से वापस चले जाओ। तो फाइनली क्या हुआ, ये जलालुद्दीन वापस चला गया
ख्वारिज्म और उसके पीछे ये चंगेज खां भी वापस उधर चला गया, तो भारत पर हमला होने से बच गया मंगोलों का। तो ऐसे उसने अपने आप को मंगोलों से भी बचाया, और उसने सबसे बड़ा जो उसका काम है उसकी लाइफ का, उसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी कौन सी होती थी? लाहौर। तो ये शासक प्रथम शासक है मुस्लिम शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया है, ठीक है। इससे पहले जो राजधानी चल रही थी वो लाहौर चल रही थी। उसके बाद है इल्तुतमिश के जो शत्रु हैं वो कौन कौन से थे? कबीरुद्दीन एयाज था, मलिक मोहम्मद सलारी था, मलिक सैफुद्दीन कूची था, इन्होंने अलग अलग जगह पे अधिकार कर रखा था। और उस समय दो और दुश्मन भी थे, एक था ताजुद्दीन यल्दौज और एक था नसीरुद्दीन कबाचा। ये दोनों भी क्या चाहते थे कि दिल्ली पे हमारा अधिकार हो जाए, क्योंकि ये दोनों भी अपने आप को मोहम्मद गौरी के सेनापति समझते थे। तो 1215 में इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध किया, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है 1215 का। पहले हमने दो तराइन के युद्ध पढ़े हैं 1191 और 1192 में, ये है तीसरा युद्ध, ठीक है। 1215 में हुआ किसके बीच में है? ये हुआ है इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच में, लेकिन वो किसके बीच में हुए हैं? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दौज को मार डाला, और 1227 में उसने नसीरुद्दीन कबाचा के साथ युद्ध किया और उसे सिंधु नदी में डुबोकर मार डाला। इस तरह से इल्तुतमिश के सारे दुश्मन खत्म हो गए और उसने एक अच्छा साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसने कुछ और भी अच्छे काम किए, जैसे उसके दरबार में विद्वान थे मिन्हास उस सिराज, जो दरबारी लेखक थे, उन्होंने एक रचना की जिसका नाम है तबकाते नसीरी। इसे आप शॉर्ट क्वेश्चन में याद कर सकते हैं। और इसके अलावा उसने कुछ निर्माण कार्य भी किए हैं, उसके दरबार में मलिक ताजुद्दीन भी रहते थे। निर्माण कार्य में क्या है? सबसे पहले तो उसने कुतुबद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू किया था, लेकिन ये बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाई थी, तो ये किसने पूरी करवाई? इल्तुतमिश ने। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो पूछते हैं कि कुतुब मीनार किसने बनवाई, तो हम कहते हैं कुतुबद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसका काम किसने पूरा करवाया है? इल्तुतमिश ने। तो पहला मकबरा भी उसी के समय में बना है, और उसने बदायूं की जामा मस्जिद भी बनाई है, एक दरवाजा बना है नागौर में, उसने एक विद्यालय की स्थापना की दिल्ली में, ये देख सकते हैं आप, ये टंका है चांदी का जो उसने बनवाया है, ये कुतुब मीनार उसने पूरी करवाई है, ये खुद इल्तुतमिश है, ये उसका टॉम्ब है मकबरा, और ये उसकी जामा मस्जिद है, ठीक है। और उसके बाद आती है उसकी मृत्यु। तो इसने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, उत्तर में हिमालय पर्वत से लेके दक्षिण में नर्मदा नदी तक वो एक साम्राज्य फैला लेता है अपना, और सिंध नदी से लेके पश्चिम में और पूर्व में बंगाल तक फैल जाता है। तो इतना बड़ा साम्राज्य इससे पहले शायद किसी ने नहीं इकट्ठा किया होगा, तो जिसमें गुजरात नहीं शामिल, लेकिन फिर भी उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया है। तो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता है, और उसके बाद आती है उसकी मृत्यु। तो उसके बाद वो 1236 में खोखरों के विरुद्ध एक युद्ध करता है बयाना पर, और रास्ते में वो बीमार हो जाता है। जब उसकी बीमारी बढ़ने लगती है तो उसको लगता है कि मुझे दिल्ली वापस जाना चाहिए और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहिए, तो वापस दिल्ली आता है। दिल्ली आकर वो घोषणा करता है कि उसकी पुत्री को सुल्तान बनाया जाए। और उसके बाद क्या होता है, 30 अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और देखो, उसकी मृत्यु के बाद, जो इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद जो जनता है, जो आवाम है मुस्लिम, वो उसकी पुत्री को सुल्तान बनने ही नहीं देते, वो उसके पुत्र को जो अयोग्य है उसको गद्दी दे देते हैं। तो ये रजिया के लिए बड़ी ही बुरी बात होती है। तो वो सोचती है कि पिता के कहने के बाद भी मुझे उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद भी गद्दी नहीं मिल रही है, तो उसे बड़ा दुख होता है। तो देखें, जो रजिया सुल्तान की पुत्री थी उसको ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र पहले ही मर चुका होता है, तो नसीरुद्दीन, ठीक है। तो अन्य पुत्र जो है रुकनुद्दीन वो अयोग्य है, लेकिन क्या करें, रुकनुद्दीन को ही जनता फिर भी सुल्तान बना देती है। तो रजिया क्या करती है उसकी हत्या करवा के खुद शासिका बन जाती है, तो भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनती है, ठीक है। तो ये है इल्तुतमिश के बारे में एक कहानी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कि किस तरह से वो एक गुलाम का आगे गुलाम बनता है, और वो गुलाम जब घोषणा करता है कि उस गुलाम यानी कुतुबद्दीन ऐबक का पुत्र गद्दी पे बैठता है आरामशाह, लेकिन उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करती है, वो किसको बुलाती है? कुतुबद्दीन ऐबक के गुलाम को, यानी इल्तुतमिश को, कि तुम आकर गद्दी संभालो। तो आरामशाह को गद्दी से उतार के कुतुबद्दीन ऐबक को का जवाई जो है, ठीक है,
उसकी पुत्री से पुत्री के साथ जिसने शादी की है, इल्तुतमिश गद्दी संभालता है और उसके बाद इल्तुतमिश का पुत्र गद्दी पर बैठता है, लेकिन जबकि इल्तुतमिश चाहता है कि मेरी पुत्री गद्दी पर बैठे, तो जनता फिर से इस डर में कि हम औरत की बात कैसे मानेंगे, तो वो एक मुस्लिम साम्राज्य में इस बात की समस्या हो जाती है कि हम औरत की बात कैसे मानेंगे, तो वो उसके एक अयोग्य पुत्र को गद्दी दे देते हैं रुकनुद्दीन को। लेकिन रजिया भी जो बहुत हिम्मत वाली स्त्री दिखाई है मुस्लिम वंश में, वो रुकनुद्दीन को गद्दी से उतार कर खुद शासिका बनती है और 1236 से लेकर 1240 तक शासन करती है। लेकिन फिर वो कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करती है, जनता का विरोध होता है जो मुस्लिम साम्राज्य है, और कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको गद्दी से उतारने के बाद गद्दी आगे चली जाती है। तो हमने आज पढ़ा है इल्तुतमिश के बारे में, इसके बाद हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे शासक हैं जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा। मैंने आपको बता दिया कि उनका टाइम पीरियड भी कम है और उन्होंने ऐसे कुछ काम नहीं किए हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कल बलबन के बारे में। जब तक आप देखते रहें इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी की वीडियोज़, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, दिल्ली सल्तनत में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए।